अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसमें आज हम बैरिया टाउन में बारिश का मज़ा लेंगे। बैरिया टाउन में बारिश किस तरह से होती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है बैरिया टाउन, और मैंने उसकी कवरेज की है, उसकी फुटेज की है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों के को दिखाता हूँ कि किस तरह बारिश हो रही है। और इस बारिश में हमने विज़िट किया है डिफरेंट प्लेसेस का। बैरिया टाउन में हम डिफरेंट जगहों पे गए हैं, पहले बाइक पे गए हैं, फिर हमने गाड़ी पे सफ़र किया। बहुत ज़बरदस्त मौसम, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। तलवार चौक, ग्रैंड मस्जिद और कहीं भी हम बैरिया से बाहर भी गए हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम हमने इंजॉय किया है। तो दोस्तों, आपने भी ये मौसम इंजॉय करना है। इंजॉय करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन की बारिश किस तरह से होती है, बारिश के बाद बारिश का मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी प्लेस है और कहाँ पे हमने विज़िट किया है, कहाँ कहाँ पे हम गए हैं, वीडियो हमने इंजॉय की है, हमने बारिश इंजॉय की है। तो चलते हैं जी। ये पहले हम ये छत पे हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं। छत बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, बाहर नहीं निकल सका क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश जब थोड़ी सी थमेगी, रुकेगी, तो हम बाइक पर निकलेंगे। बाइक के बाद हम गाड़ी पे थोड़ा सा घूमेंगे और बैरिया के बाहर भी थोड़ा सा व्यू लेंगे। बैरिया के बाहर एक कैनाल है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सजी हुई, उस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, और उसका भी हम व्यू लेंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप वीडियो का फुली मज़ा उठा सकें, वीडियो का फुली आप इंजॉय कर सकें। चलें जी, वीडियो का मज़ा लेते हैं और इंजॉय करते हैं। तो ये अभी हम बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और बारिश थोड़ी थोड़ी रुक गई है, तो बैरिया का मज़ा लेते हैं। बैरिया के हम ये जिस एरिया में हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के एरिया है, बहुत किस्म का यहाँ पे व्यू है। ये देखें घर कितने खूबसूरत हैं, कितनी ज़बरदस्त प्लेस है, जगह है। दोस्तों, असल में हम तलवार चौक की तरफ जा रहे हैं। तलवार चौक जोंस रास्ते में इसमें से हम जाएंगे, वो गार्डेनिया एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, छोटी सी गार्डेनिया है मार्केट। तो वहाँ से हम होते हुए तलवार चौक जाएंगे। ये भी बिल्कुल गार्डेनिया मार्केट के करीब है, ये छोटा सा पार्क है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई है और तलवार चौक का मेरा ख्याल है, जहाँ तक आइडिया, बहुत बुरा हाल होगा। तो चल के देखते हैं, विज़िट करते हैं कि तलवार चौक पे किस तरह का माहौल है, किस तरह की सूरत हाल है। ले जी, ये है तलवार चौक और आप इसका व्यू करें, आप इसका विज़िट करें, आप इसको देखें कि यहाँ पे क्या क्या माहौल बना हुआ है, कितना पानी खड़ा है। आप आइडिया लगा लें कि इतनी बारिश हुई है, कितनी, और ये इतना पानी खड़ा हो गया। ये तकरीबन आधा घंटा या 40-50 मिनट बारिश हुई है और इतना पानी खड़ा हो गया। ये तलवार चौक है, ये तलवार चौक का आप व्यू लें और देखें कि इतना पानी और इतना कुछ खड़ा हो गया इधर पे। यहाँ पे बाइक पर गुजरना ही मुश्किल है, हम थोड़ा दूर दूर से गुजर रहे हैं, बहुत बचाव जहाँ हमारे पास बाइक है इस टाइम, तो हम बहुत बचा के गुजर रहे हैं। तो ये है तलवार चौक, ये मेन आप इस तरह लगा लें कि ये बहरिया का मेन चौक है, जिसको हम तलवार चौक, आप जहाँ से भी मर्ज़ी आएँ आप तलवार चौक लाजमी पहुँचेंगे। आप इधर मोर चौक की साइड से आ रहे हैं, आप ग्रैंड मस्जिद की साइड से आ रहे हैं, आप इधर से क्या कहते हैं इसको,
एक मार्केट है, अगर उस साइड से आते हैं, अभी मेरे जहन में मार्केट का नाम नहीं आ रहा, तो उस साइड से आप आते हैं तो फिर भी आप तलवार चौक पहुँचेंगे। तो ये तलवार चौक आप कह लेंगे बैरी टाउन की हब है, और इसका इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, इतना पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि बुरा हाल नहीं है, ये थोड़ी देर में ये काम ठीक हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो बारिश रुकी है, जैसे ही बारिश रुकी है तो हम आ गए हैं, तो इसलिए इसका इस तरह का व्यू है, इस तरह का देखने को मिला है कि ये इतना ज़्यादा पानी है। अब हम बैरी तलवार चौक से हम ग्रैंड मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो ये सामने जो नज़र आ रही है ग्रैंड मस्जिद है, हम दूर से ग्रैंड मस्जिद का नज़ारा लेंगे। मैंने ग्रैंड मस्जिद पे भी एक वीडियो बनानी है, और इसके बाद हम गाड़ी में सवार हो जाएंगे, और फिर हम गाड़ी से बारिश, इसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी, फिर हमें गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तो हम बाइक को साइड पर लगा देंगे, बाइक को मोटरसाइकिल कर देंगे, तो अभी हमें इधर से ही गाड़ी पर बैठना पड़ेगा, तो माहौल बना हुआ है, तो चलें जी गाड़ी पे बैठते हैं और मज़ा लेते हैं बारिश का अगेन। और ये हम अब बैरिया से बाहर जा रहे हैं, बैरिया से बाहर निकल के वीडियो बनाएंगे और बाहर का मज़ा लेंगे। बारिश हो रही है इसलिए मैं गाड़ी का शीशा भी नहीं खोल सकता, मिरर भी नहीं खोल सकता, क्योंकि अंदर बारिश आती है, तो गाड़ी से बाहर ये हम अभी बैरिया से बाहर निकल रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ये बनी हुई हैं, ये कनाल के ऊपर बनी हुई है, ये देख लें आप, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और ये इसके ऊपर तरह तरह की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वैरायटी बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कैद अजम का मज़ार बनाया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं उन्होंने। ये देखे कुछ चीज़ों को तो मेरे मुझे नाम भी नहीं आते, कुछ चीज़ों को तो मुझे नाम भी नहीं आते जौन जौन से ऊपर उन्होंने बनाई हैं। ये देखे ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों इस तरह करें कि आप वीडियो का नज़ारा लें, मैं भी वीडियो का नज़ारा लेता हूं। और दोस्तों अगर आपने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई गल नहीं, ना करो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन लाजमी क्लिक कर दें। मैं भी इतना कोई बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, ना मुझे इतना बोलना आता है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली विलेज की वीडियो या शहर की वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके, और मुझे अगली वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।